सिद्धार्थ जिले के त्रिलोकपुर को बड़ी सफलता हाथ लगी है। त्रिलोकपुर पर पंजीकृत मुकदमे से संबंधित तीन वाहन चोर को लुबरेडीह तिराहा डोमसरा मोड़ से 8 अदद मोटरसाइकिल व 5 अदद मोटरसाइकिल इंजन व अन्य पार्ट्स के साथ गिरफ्तार किया गया। उक्त जानकारी सीओ इटावा डुमरियागंज जयराम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। मीडिया से बात करते हुए बताया कि इनका आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है और दो लोग फरार हैं। लगातार टीम दबिश दे रही है, जल्द ही उन्हें भी पकड़ कर जेल भेज दिया जाएगा। आज दिनांक 12 को अपराध वारंटी वांछित और अन्य एनपीडब्ल्यू की गिरफ्तारी के लिए अभियान चल रहा था। उसी दौरान आज दिनांक चार बजे सूचना मिली कि मुकदमा अपराध संख्या 112 धारा 379 के संबंध में डुमसरापुर के पास लुबेरडी तिराह के पास कुछ तो अभियुक्त इससे संबंधित अभियुक्त मौजूद हैं। उनकी तलाशी के लिए टीम गठित की गई और उनके गिरफ्तार कर गया। उनके निशानदेही पर 8 मोटरसाइकिल और 5 अदद मोटरसाइकिल इंजन पार्ट्स कबाड़ी की दुकान से बरामद किया गया। सर, इनका आपराधिक इतिहास क्या है और क्या क्या चीजें और बरामद हुई हैं इनके पास से? आपराधिक इतिहास इनके बारे में पता किया जा रहा है, सभी थानों से पता किया जा रहा है और इन पुराने 5 गाड़ियों के पुराने इंजन और अन्य पार्ट्स इसके बरामद किया गया कबाड़ी की दुकान से। इनका दुकान है रमापुर भान पुरानी जसवानीगंज में। सर, जो भानपुर रानी का एक आदमी उसके पहले भी डुमरियागंज में जो पीसी हुई थी उसमें भी उसका नाम आया था। हाँ, ये फरार चल रहा है, इसकी टीम गठित की गई है, जल्दी पकड़ में दिया गया। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।